हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश डीआरपी ब्लॉग्स। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं माँ बिंदवासिनी से ये कामना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मेरा नाम दिनेश कुमार और मैं माँ बिंदवासिनी की धरती मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। और मेरी फैमिली के बारे में अगर बात करूँ तो मैं 5 भाई और 1 बहन है हम लोग। और मेरे पिताजी का सब्जी मंडी का व्यवसाय है। और दोस्तों, मेरी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मेरा जो बचपन है मिर्ज़ापुर में ही बीता। पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब यहीं पे हुई। लेकिन जब मैं एडल्ट हो गया तो घर में कुछ बहुत सारी परेशानियाँ थी, जिनके बदौलत घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, क्रिएट हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं दिल्ली, मेरे कज़न रहते हैं, मैं दिल्ली भाग कर गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें मेरी एज 18 हुई ही थी और मैं अकेले ही दिल्ली भाग के गया। और फिर वहाँ पे जाने पे पता चला कि मेरे भैया जिनसे बात हुई थी वो स्टेशन पे नहीं आ पाए थे और मैं भटक गया। तो एक सज्जन मिले, उन्होंने मेरी हेल्प की और फिर अगले दिन मेरे भैया से मेरी मुलाकात हो पाई। और मेरा बताने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि मेरा 15 से 20 साल दिल्ली और नोएडा में बीता है। मैं बहुत कुछ तो बड़ा नहीं कर पाया क्योंकि दिल्ली जैसे महानगर में हम लोगों की कोई खास वैल्यू नहीं होती है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। और देखा जाए तो अब मैं आगे क्या बताऊँ, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो बोलने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही है। फिर भी मैं आपको लोगों को अपने बारे में बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैंने सबसे पहले पहला जॉब मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में किया, जहाँ पे मैंने अपने 5 से 6 साल दिए और बहुत ज़्यादा वहाँ से प्रोग्रेस नहीं हो पाई। और उसके बाद फिर मैं घर आ गया, फिर मेरी शादी हो गई, मेरा एक बच्चा भी हो गया। फिर मैं दोबारा गया नोएडा। नोएडा में जाने के बाद मैंने दोबारा कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया, वहाँ पर भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ नहीं हो पाई। और अभी लॉकडाउन में तो फिलहाल मैं वहीं फंस गया था। मेरी वाइफ जो कि घर पे थी और मैं फरीदाबाद में रूम लेके रहता था, वहीं पे मैं फंस गया था 2-2.5 महीने। फिर वहाँ से मैं बाइक दिल्ली टू मिर्ज़ापुर बाइक आया था मैं। और उसके बाद फिर मैं दोबारा 2-3 महीने बाद गया विद फैमिली। वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि मेरी वाइफ को गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे उनका इलाज करवाया तो काफ़ी पैसे एक्सपेंड हो गए, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। और उसके बाद फिर हमारी नौकरी भी ऐसी बहुत अच्छी खासी नहीं चल रही थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। और फिर बहुत अच्छा, मतलब ग्रोथ नहीं था, सैलरी होल्ड होने लग गई थी। और यहाँ पे फैमिली बर्डन, मतलब परिवार भी चलाना है, बच्चे का स्कूलिंग भी करनी है, बहुत सारी दिक्कतें थी, तो जिसकी वजह से हमें फिर घर पे स्विच होना पड़ा। मेरी फैमिली तो पहले आ गई थी और मैं बाद में आया। तो वहाँ से आने के बाद मेरे पिताजी का जो व्यवसाय था सब्जी मंडी का, सिर्फ वही एक व्यवसाय था मेरे लिए काम करने के लिए। और फिर उसके अलावा मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने पिताजी के मंडी में जाना स्टार्ट किया, वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया और काम करता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा वो काम, क्योंकि मेरे को इन सब चीज़ों में रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैंने YouTube पे ऑनलाइन जॉब्स सर्च करना चालू किया या ऑनलाइन बिजनेस सर्च करना चालू किया, जिसमें मैंने देखा बहुत से लोग ब्लॉग्स बना के YouTube पे डाल के इनकम कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने अपना पहला ब्लॉग बनाया है। जो भी मेरे दिल में है मैं अपनी बात रख रहा हूँ, या आप लोगों को आप जैसा भी लगे, जैसा भी फील हो, मैं अपने दिल की बात आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद मेरे को दूसरा लड़का भी हुआ, मेरी वाइफ को दूसरा लड़का हुआ। अभी 9 महीने का है, मेरा पहला बेटा 12 महीने का है, सॉरी 12 साल का है, और मेरा दूसरा वाला जो लड़का है 9 साल का है। और मैं अब इस
इसके आगे मैं क्या बोलूँ। मैंने तो पहले ही बता दिया कि मेरा पहला ब्लॉग है, मेरे को बोलने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही है, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना व्यू दिखाना चाहूँगा जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारा घर। और ये देखिए, हम लोग मिर्ज़ापुर में रहते हैं, गंगा जी के किनारे हैं, बिल्कुल माँ विंध्यवासिनी से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। माँ विंध्याचल मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। तो आपको दिखाना चाहूँगा मैं अपना घर, और अपना घर का लोकेशन दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप लोग, गंगा जी। ये देखिए दोस्तों, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग गंगा जी के बिल्कुल किनारे रहते हैं, बिल्कुल किनारे। आप लोग देख सकते हैं, माँ गंगा हमारे यहाँ से होके जाती हैं। देखिए और हमारे यहाँ बगल से एक पुल भी जाता है जो कि मेन हाईवे से जुड़ा हुआ है, इसको शास्त्री पुल बोलते हैं। विंध्याचल से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है ये। और मैं आप लोगों को अपना घर भी दिखाना चाहूँगा, आप लोग शायद देख पा रहे होंगे, यही है। आप लोग शायद देख पा रहे होंगे मेरे घर को। ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो मैं ज़्यादा देर तक का वीडियो नहीं बनाऊंगा, और डेली मैं आप लोगों से यूट्यूब के माध्यम से बातें होती रहेंगी, मुलाकात होता रहेगा। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और दोस्तों प्लीज़ हमारे मेरे चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक करके, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ विंध्यवासिनी आप सभी लोगों को स्वस्थ रखे। थैंक यू वेरी मच।